किन्नौर त्रिकांतपियो के साडा क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी का आलम। डोर टू डोर कूड़ा करकट ना उठाने से लोगों द्वारा सड़क किनारे फेंका जा रहा है कूड़ा। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन से मांग, जल्द शुरू किया जाए डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर मुख्यालय त्रिकांतपियो के साडा क्षेत्र में इन दिनों डोर टू डोर कूड़ा करकट नहीं उठाने के कारण लोगों द्वारा कूड़ा करकट हर कहीं फेंका जा रहा है, जिससे चारों तरफ गंदगी का आलम बना हुआ है। साडा द्वारा यह डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य एक निजी ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन इन दिनों ठेकेदार के लेबर डोर टू डोर कूड़ा उठाने नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे आम रास्तों के साथ साथ सड़क किनारे पर भी लोगों द्वारा कूड़ा करकट खुलेआम फेंका जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने की मांग जिला प्रशासन से की जा रही है। ठेकेदार द्वारा समय पर कूड़ा करकट नहीं उठाने का खमियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासी डॉक्टर सूर्या बोरस ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा करकट नहीं उठाने की वजह से जिला मुख्यालय के साडा क्षेत्र में कूड़ा करकट हर कहीं भी बिखरा पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कोई ठोस कदम उठाकर जल्द से जल्द साडा द्वारा डोर टू डोर कूड़ा करकट उठाया जाए। त्रिकांतपियो शहर में इन दिनों सफाई की व्यवस्था जो साडा के द्वारा किया जाता है वो बुरी तरह से चरमरा गई है। अभी त्योहारों के सीजन में और कुछ दिन पहले से जो है जो डोर टू डोर कलेक्शन वाले हैं वो नियमित नहीं आ रहे, जिसकी वजह से चारों तरफ जो है गंदगी के ढेर फैला हुआ है और लोगों के घरों से और दुकानदारों के जो डेली गार्बेज कलेक्शन होता है वो भी नियमित तौर पर नहीं हो पा रहा। इससे यहाँ पर हमारे यहाँ पर सफाई का बड़ा अव्यवस्था कमा हुआ है। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है, ये जो साड़ा बनाया हुआ है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर इससे ये सफाई का व्यवस्था नहीं संभल रहा है या इसके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो इसको जो है कोई एक नया वैकल्पिक कोई और व्यवस्था बनाकर या इस साड़ा को जो है इस सफाई व्यवस्था के लिए कोई तो नया तरीका ढूंढना होगा। अन्यथा जो है हम जो है आने वाले समय में इसके प्रति रोष प्रकट करेंगे। पहले भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को इस बारे में ज्ञापन दिया था, उसके बाद कुछ दिन ये चला और अब दोबारा वही माहौल बना है। अब कहते हैं कि कभी पैसे ठेकेदार को नहीं दिया, ठेकेदार के जो लेबर कहते हैं कि जो लेबर को पेमेंट नहीं हुआ, तो ये जो अव्यवस्था है और जो मैनेजमेंट नहीं है वो सीधा सीधा जो है यहाँ के साड़ा के जो चेयरमैन और जो सेक्रेटरी साहब है उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। अन्यथा जो है यहाँ पे जो गार्बेज का जो ढेर है वो अव्यवस्था के कारण जो है लोगों के लिए दुविधा बना। किन्नौर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।